राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल रात ही बात की है एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से, और उन्होंने डिस्कशन किया था अपने बेटे एडवोकेट अनुज अग्रवाल सर से। तो मेरी काफ़ी देर बात हुई उनसे, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि जो बच्चे एज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अनुज एडवोकेट अनुज अग्रवाल से मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 60-40 है, वो 60-40 है, 40 यस के प्रति और 60 नो के प्रति। देखिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं कोई लाग लपेट नहीं करता हूँ। जिस भी तरह से है, जो भी तरह से है, मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। जो मेरी बात हुई है मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आपका विवेक है कि आप केस में भाग ले रहे हो या सर से बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझसे यही बात कही है कि 60-40 का रेशो है और अब बच्चे जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने भी कोई लाग लपेट नहीं की, क्योंकि हर वकील चाहता है कि उसके पास में केस आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये रेशो है, अब आप बच्चों को बता देना, अगर वो इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और इस मुहिम में अगर मेरी कोई और भी हेल्प चाहिए आपको तो मैं आपके साथ हूँ। तो ये था फीमेल एज रजिस्ट्रेशन के मामले में जो बच्चे मुझसे बोल रहे थे, और मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन रात मैंने सर से खुल के बात की कि सर पूरा मुद्दा आपने डिस्कस किया। उन्होंने कहा मैंने पूरा डिस्कस किया है मुद्दा, और अनुज से भी मैंने डिस्कस किया है जो पहले वो केस जीते थे, और तो उन्होंने ये मैटर बताया है। अब आप सब देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें इसको परमानेंटली ही चेंज करना चाहिए। और परमानेंट चेंज कैसे होगा, ये होगा दिल्ली गवर्नमेंट से, DSSB से, कोर्ट से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई दमदार व्यक्ति जो प्रभुत्वशाली हो, जैसे चीफ मिनिस्टर है, LG है, इस तरह के लोग चाहिए जो ये सब हमारा चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हित की सोचे। तो अब आप देख लीजिए किसका पॉलिटिकल होल्ड है, जो बात कर सकते हैं इस बारे में, जो आयोग में नीति बनाते हैं कोई वहाँ पर हो किसी का, तो इसको परमानेंटली आपको रिजॉल्व करना है। सड़कों पर आने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही मैं इसकी सलाह दूंगा, क्योंकि आजकल कोई फ़ायदा नहीं है कहीं अपील करने का। बस अगर आपकी अप्रोच है तो आप इसमें जा सकते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय महाकाल।